तो आइए आज राजस्थान स्टाइल में मटन बनाएंगे, लाल मटन। ये देखिए इसमें हम चढ़ा दिए हैं, बर्तन अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें सरसों तेल डालेंगे, प्योर सरसों तेल। इसके जगह में आप घी भी डाल सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें कुछ खड़ा गर्म मसाला डालेंगे, लौंग, इलायची, दालचीनी, बड़ा लौंग और शाहजीरा। साथ ही डालेंगे 4 सूखी मिर्च, 2 तेजपत्ता। ये देखिए इसका बीच वाला हिस्सा जो है इसको काट के अलग कर देंगे। गरम मसाला को कुछ देर फ्राई कर लिए हैं, अब काली मिर्च और जीरा को डालेंगे। सब खड़ा खड़ा डालेंगे आज। ये देखिए सब चटक गया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। साथ ही डाल देंगे हरी मिर्च, 6 से 7 पीस हरी मिर्च को हम लंबा लंबा शेप में काटे हैं, इसको भी डाल देंगे। और इसको अच्छे से कुछ देर तक भूनेंगे। दोस्तों आप लोग सोचिएगा कि लाल मिर्च भी दिए हैं और हरा मिर्च भी दिए हैं। राजस्थानी मटन में आपका जो लाल मटन होता है उसमें थोड़ा स्पाइसी होता है और तीखा तीखा रहता है, इस वजह से इसमें मिर्च ज़्यादा ही लगता है थोड़ा सा। प्याज को कुछ देर तक फ्राई कर लिए हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। इतना ही फ्राई करना है, अब इसमें जाएगा मटन। मटन को हमने पहले से धो करके फ्रेश करके रखे थे, अब इसको चलाते हुए अच्छे से कुछ देर तक फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच। साथ ही डालेंगे कुछ खड़ा लहसुन। अब अदरक और लहसुन को अच्छे से मिला करके एक साथ मटन के साथ मिलाएंगे और फ्राई करेंगे कुछ देर। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढकेंगे, खोल के देखते हैं। खुशबू तो बहुत ही अच्छा निकल रहा है दोस्तों। अब इसको चलाएंगे बढ़िया से ऊपर नीचे करके। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा दबा के 2 चम्मच। अब साथ ही जाएगा थोड़ा सा नमक, पहले से थोड़ा सा नमक डाले थे और अभी थोड़ा सा डाल देंगे। और ये 2 खड़ा लहसुन है इसको डाल देंगे अभी। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जो अच्छे से मिल जाए, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको कुछ देर तक पकाएंगे, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे। और इसको चलाते हुए 5 मिनट तक हमने फ्राई कर लिए हैं सभी चीज़ों को। देखिए फेंटा हुआ दही है और इसको डाल देंगे इसी में और तुरंत इसको चलाएंगे, नहीं तो दही फट सकता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मटन के साथ। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको चलाते हुए और 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए मटन और मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब देख सकते हैं तेल किस तरह रिलीज हो गया है। और इसको एक बार चला देते हैं और एक बार चलाने के बाद अब इसमें पानी डालेंगे। जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालिए इसमें। हमने इसमें 1/2 बोतल पानी डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर दिए हैं पानी डालने के बाद। देख सकते हैं किस तरह रंगत हुआ है लाल मटन का।
अब इसको ढक्कन लगा के 40 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे धीमा धीमा आंच में। मटन को हल्के हल्के आंचों में 40 मिनट पका लिए हैं, अब इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए मटन अच्छे से पक गया है और इसको खुला में 10 मिनट और रखेंगे। देखिए इसका करी कितना अच्छा बना है। मटन तो बन के तैयार हो गया है, अब इसमें MDH का मीट मसाला थोड़ा डाल देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है थोड़ा अच्छा बने और अच्छा लगे। थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और मीट मसाला डालने के बाद सीधा नीचे उतार लेंगे। अब इसको एक बार मिक्स कर देंगे अच्छे से और ये लाल मांस बनकर तैयार हो गया है। अब लाल मटन ले लेंगे, पहले करी ले लेते हैं, थोड़ा सा करी के साथ मज़े से खाएंगे। और ये देखिए मटन, चावल और ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाएंगे और इसको मज़े से खाएंगे। ये पहला निवाला। ग्रेवी तो बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों। मटन को चेक करते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना है लाल मटन।